यदि मनुष्य के जीवन में लोकगीतों की अपनी एक भूमिका रही है, चाहे वो अव्यक्त के लिए रहा हो, चाहे वो सुख दुख बांटने के लिए या मनोरंजन के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे गीत लिखे गए जो आज़ादी के तराने बन गए, या आज़ादी के लिए जनता को जगाने के लिए, उनकी चेतना जगाने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए, तो क्या लोकगीतों की ऐसी कैसी भूमिका रही होगी, उन्होंने कैसे काम किया रहा होगा एक भारतीय मानस को सचेत करने में, उन्हें जागृत करने में, उनकी गुलामी की दशा को बताने में, लोकगीतों ने कैसे अपनी भूमिका निर्वाह की होगी? मेरा मानना है कि लोकगीत तो बहुत बड़ा जरिया रहा होगा और बहुत ही मुख्य जरिया रहा होगा उन दिनों, क्योंकि वो जनजीवन से जुड़ा हुआ रहा है और लोकगीतों के जरिए जो एक दूसरे से अपनी बात, अपने व्यवहार के बारे में जो बता पाते थे लोग, बता पाते होंगे, वो सबसे बड़ा जरिया रहा होगा। हमें हमने जैसा जाना है और अक्सर हम लोगों ने देखा है, पुरानी फिल्मों में भी देखा है और पहले के बारे में भी जानते रहे हैं कि संगीत या संगीत की कोई भी विधा, वो दुदुमी और ये सब जो है लड़ाई में जाने से पहले, राजाओं के जाने से पहले वो फूकी जाती थी, वो शंखनाद किया जाता था, सारा संगीत ही था वो। तो मुख्य रूप से संगीत किसी न किसी फॉर्म में जुड़ा रहा है और ये लोकगीतों का जो जरिया है ये तो बहुत ही स्वाभाविक जरिया रहा होगा उन दिनों, इसलिए मेरा यही मानना है कि बहुत बड़ी भूमिका रही होगी लोकगीतों की उस समय। तो जो भाषा लोकगीतों की होती है कि आम बोलचाल की भाषा जो रोज मनुष्य बरत रहा है, बोल रहा है, जिस भाषा में सपने देख रहा है, क्या उससे अगर कोई बात कही जाए, जैसे आज़ादी की बात कही गई होगी, तो क्या उससे उसकी अपील बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि वो तो एक जोश की बात होती है, अपने देश के बारे में उसमें बातें होती होंगी और एकजुटता की बात होती होगी और दुश्मन को ललकारने की बात होती होगी, तो इस तरह की बातों से जोश भरता होगा और अपना जो दुख है उस गुलामी की वजह से जो तकलीफें झेलते होंगे लोग, उन चीज़ों का वो असर आता होगा, वही हम लोग कब तक ये गुलामी झेलेंगे। तो हमें अपने दुश्मन को हटाना है, हमें अपना देश आज़ाद कराना है ताकि हम स्वतंत्र देश में सांस ले सकें, ये उनके मन में ये भावना आती होगी। और कितनी तकलीफें लोगों ने झेली हैं, जुलूस निकल रहे हैं तो प्रभात फेरियां हो रहे हैं, उसमें भी वो कविताएं भी कही जाती होंगी, सारा संगीत ही था, वो लोक संगीत हो या कोई भी संगीत हो, पर संगीत बहुत बड़ा जरिया रहा है इसका। एक कुछ ऐसे गीत जो आपको कुछ हिस्से या कुछ गीत याद हो? हमें याद है जैसे आज़ादी के समय जो नील की खेती होती थी उस समय में, गांधी जी के समय में वो गीत थे। उसके बाद एक गीत जो अपने देशभक्ति का गीत जो अपने यहाँ बाबू रघुवीर नारायण जी का लिखा हुआ है, वो बहुत ही अच्छा गीत है, जो पहले भी और बाद में भी आज़ादी के वो गीत बहुत ही लोकप्रिय रहा है और इस संदर्भ में उस गीत को हम जरूर कहना चाहेंगे। जो दो पंक्ति मुझे याद है जो कि सुंदर जहाँ प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया, गंगा रे जमुनावा के झगमग पनिया से, सरयू झमकी घरावे रे बटोहिया, जहाँ प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। क्या बात है, अद्भुत। ये और कोई गीत जो याद हो, कुछ शब्द याद हो? एक मुझे याद है इस संदर्भ में जो उन दिनों चरखा, क्योंकि गांधी जी जब आंदोलन में थे तो सबसे बड़ी बात है कि अहिंसा के साथ में उन्होंने देश को आज़ाद कराने की बातें की थी और ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो
इसी के जो अहिंसा के साथ करना है और स्वावलंबी बनना है हमें, हमें विदेशी सामान को उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जो विदेशी थे वो तो आके अपने बाजार में अपने सामान बेचते थे, तो हमें वो नहीं लेना है, यानी खास करके सबसे पहले कपड़ा, तो हमें वो कपड़े नहीं पहनने हैं, हमें खादी के कपड़े पहनने हैं, और खादी वो जो हम चरखे के द्वारा सूत काटेंगे और उससे जो कपड़ा बनेगा उसका कपड़ा हम पहनेंगे, उससे लोगों को रोजगार भी हो रहा था, जो आवश्यकता थी जिन चीज़ों की वो भी मिल रहा था, कुछ पैसे मिल जाते थे चरखा काटने पे, महिलाएं चरखा काटती थी तो बहुत सारी संस्थाएं बनी उसके लिए। तो मुझे चरखा का वो गीत याद है, और देश आज़ाद हो चुका था तब तक, जस्ट वो पोस्ट आज़ादी रही होगी, तो उस समय में चूँकि जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, इन लोगों की चर्चा वहाँ, इसलिए जरूर वो उसी समय का गीत रहा होगा, बहुत पुराना गीत है। कौन सा कुछ शब्द? चरखा को चालू रखने के लिए, तो बस यही संदेश है कि चरखा बंद नहीं चाहिए, चरखा रुकना नहीं चाहिए, चरखा चालू रहे, 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 चरखवा चालू रहे, चरखवा चालू रहे, दुल्हिन बनल सरकार चरखवा चालू रहे, नेहरू चाचा बनल दुल्हावा, नेहरू चाचा बनल दुल्हावा, दुल्हिन बनल सरकार चरखवा टूटे न चरखा के तार, चरखवा चालू रहे। ये गीत आपने किनसे सुने, अपने गुरुओं से या परंपरा में, घर परिवार में? हाँ, ये बुजुर्गों से नहीं, ये हमारे यहाँ मेरे मायके में भी जो हमारी दादी और चाची जो बुजुर्ग थी, तो वो लोग कहते थे कि वो लोग ऐसे ही बोलते थे कि गोरे लोग जब आते थे तो हम लोग छिप जाते थे, और उनको फिर भी बैठने के लिए क्या है, इस संदर्भ में मैं बता रही हूँ कि जो उखल होता था ना, उखली, तो कुर्सियाँ नहीं हुआ करती थी उन दिनों, तो उखल बिरले जगह पे मिलता होगा, लेकिन अब गाँव में खाटी गाँव है बिल्कुल, और गरीबी है, उखल को उल्टा उठा के और कुर्सी बना के वो लोग छोड़ देते थे कि वो आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, और वो लोग सजा देते थे, बोलो कि हम ये करेंगे, बोलते थे नहीं करेंगे, तो उनको यहाँ से वहाँ दौड़ाते थे, यहाँ वहाँ दौड़ाते थे, तबाह करते थे, तो वो लोग छिप जाती थी। वही लोग हमको बताते थे कि जब हमने पूछा था उनसे एक बार कि आप लोग तो स्वतंत्रता की लड़ाई के समय में रहे होंगे तो कैसा बीतता था, क्या है, बोले हम लोग गाना गाते रहते थे। कौन सा गाना गाते? चरखा काटते थे, गाना गाते, घर में घर घर चरखा था, और वो कहते थे कि हम लोग चरखा काटते थे और ये गीत गाते रहते थे, चरखवा चालू रहे, चरखवा चालू रहे। तो उनसे हमने सीखा। फिर बाद में हमने बहुत दिनों के बाद जब मैंने लोक संगीत पर काम करना शुरू किया, तो डॉक्टर अनिमा सिंह की एक किताब थी, बहुत अच्छी किताब, उसमें मैंने दो चार लाइन देखे, उन्होंने संकलन किया होगा, तो उनके संकलन में से हमने लिया इसको, और हमने रेडियो में भी इसको गाया, जब भी कभी 26 जनवरी आया, 15 अगस्त आया, तो मैंने प्रयास किया ऐसे गीतों को गाने का, वहीं मिला था मुझे। वीर कुंवर सिंह पे आप कुछ गुनगुना रही थी? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा वो याद नहीं आ रहा है, जितना कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ था ऐसा जिसका ये जिसके अंदर ये बात थी कि उन्होंने उनको गोली लग गई थी, फिर भी मतलब वो झुके नहीं और हाथ कट गया उनका, और अंग्रेजों की गोली लग गई थी बीच नाव में जब जा रहे थे, तो वीर कुंवर सिंह तेगवा करके कई सारे गाने ऐसे हैं जो विराह स्टाइल में और तरह तरह से गाए जाते हैं। मुझे जो याद है एक लाइन याद है, तगोली खैलन वीर कुंवर सिंह तेगवा, वीर बहादुर तेगवा, बाबू सिंह
वर्षे तेगवा बोली कैलर देगवा रे नाही जुगलर वीर स्वर कुंवर सिंह तेगवा वीर कुंवर सिंह तेगवा। गीत आपका विदेशों में बहुत सुना जाता है, बहुत सराहा जाता है, कुंवर सिंह का, भारतीय किसानों का और माँ भारती का संदर्भ है इसमें, वो गीत कौन सा है जो आज़ादी के समय एक आवाहन गीत बना हुआ था? बहुत अच्छा वो गीत है, बहुत पसंद भी है मुझे। मैं जब भी कहीं मैं विदेशों में जब गई थी तो मैंने हर जगह माँ भारती से ही शुरू किया था अपना कार्यक्रम, वो मैं जरूर पंक्तियाँ जरूर गाऊंगी। मैया भारती पुकारे जवान बबुआ तोरा हथवा में देशवा के शान बबुआ तोरा हथवा में देशवा के शान बबुआ मैया भारती पुकारे ली जवान बबुआ मैया भारती पुकारे ली जवान बबुआ तोरा हथवा में देशवा किसान बबुआ अर्पित जकर भइल जवानी लोगवा याद करे कुर्बानी चुनरी लोहू में रंग बोली आदमी अपन जान गौली बाकी सहली ना अपना अपमान बबुआ बाकी सहली ना अपना अपमान बबुआ तोरा हथवा में देशवा किसान बबुआ पूत कपूत कहाला जे माई के दूध भुलाला कितने कुंवर शहीद हो गेलन गांधी गोली हंस के खैलन माटी मांगे हरदम सीरावा के दान बबुआ माटी मांगे हरदम सीरावा के दान बबुआ तोरा हथवा देशवा किसान बबुआ मैया भारती पुकारे ली जवान बबुआ तोरा हथवा में देशवा किसान बबुआ तोरा हथवा में देशवा किसान बबुआ।